Tiger Talks and you're watching me on True Stories. So welcome to True Story. ये है Childhood Memory segment. So first question is, as a kid, what were you like? So I was a very शांत kid. मैं मुझे ऐसा याद आ रहा है, मतलब मम्मी भी मुझे कहती है जैसे बच्चे कैसे सामान उठा कर फेंकना वेकना, बट मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया और मैं आज भी कभी गुस्से में कुछ मैंने आज तक तोड़ा नहीं है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल है और आई होप ऐसे ही ये कंट्रोल बरकरार रहे. As a kid, what did you want to be when you grew up? Always actress, always heroine. हीरोइन बनना था बचपन से लेकर हमेशा. सो कौन सी एक्टर की कॉपी आप ज्यादा करते थे? कॉपी इन सेंस मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे इसके जैसा बनना है, बट ऑब्वियसली आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय आलिया भट्ट, दीपिका, एंड ये जो वंडरफुल एक्ट्रेसेस हैं, कैथरीन लैंगफोर्ड. सो या, डिड यू हैव अ फेवरेट टॉय? हाँ, मेरे पास एक टॉय था नॉडी, उसका यू नो सॉफ्ट टॉय, एंड आई रियली लव टेडी बियर्स आल्सो. सो या, Describe what your parents were like during your childhood. Mix, yeah, typical Indian parents. मतलब गलती करूँ तो डांटना, चिल्लाना और उतना ही प्यार भी करना, उतनी ही केयर करना, एंड मम्मी की यूजुअल ताने, इधर आ नहीं मारूंगी एंड वो सब. तो यूजुअल टिपिकल इंडियन पेरेंट्स. डिड यू एक्सपीरियंस डाइंग वाइल्ड ग्रोइंग अप? व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस वाइल्ड ग्रोइंग अप? व्हाट Like, कुछ भी एक्सपीरियंस ऐसा? ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए यार, इंसान एक्सपीरियंस ले लेके तो बड़ा होता है, तो बहुत कुछ सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, लर्निंग फेज चालू है. आई थिंक एक इंसान का लर्निंग फेज कभी भी खत्म नहीं होता, मतलब एक्सपीरियंस ऐसे तो आप सीखते ही जाते हो. वेयर डिड यू ग्रो अप? बुरहानपुर MP. व्हाट सब्जेक्ट वेयर योर बेस्ट एंड वर्स्ट इन स्कूल? मैथ्स तो बहुत ही गंदा, मतलब आज भी बहुत खराब है, और अच्छे मार्क्स आते थे वो जो याद करने वाले सब्जेक्ट, समझने वाले, जैसे बायोलॉजी हो गया, ये जो जिसमें लॉजिक लगता है ना, वो मेरे नंबर में थोड़े हाथ खराब थे, अभी भी हैं. बाकी मेरा मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी याददाश्त काफी अच्छी है, विथ लाइन्स ऑल्सो. तो या, बाकी सब सब्जेक्ट्स मैथ्स को छोड़ के. फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होता था जिसमें आप बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते होंगे? पसंद मुझे था सोशल साइंस, ये सब वही मैं आपको बोला, मैंने थ्योरी बेस्ड जो आपको समझना है, जो याद करना है, लॉजिक बेस्ड फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, वो सब प्रॉब्लम है. व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर इन स्कूल? अब तो मैं भूल गई यार, शिट. सोनी मैम थी आई थिंक KG 1 में, तो वो मेरी फेवरेट थी. आपका इंटरव्यू टीचर देखेगी वो जरूर बोलेगी कि मुझे भूल गया तो. सॉरी. व्हाइल ग्रोइंग अप व्हाट वेयर योर फेवरेट गेम? गेम्स तो बहुत सारी खेलती थी, वो जो मारियो वगैरह खेलती थी, कॉन्ट्रा खेलती थी, और आउटडोर्स में खो खो, कबड्डी, मैंने अपने पूरी चाइल्डहुड में बहुत खेला है, बहुत गेम्स खेला है. व्हाट डिड यू एंड योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स डू फॉर फन? हम लोग यूजुअली यार वही घर घर किचन सेट आता था, बारबी सेट आता था, तो वो भी मैंने बहुत किया है. बट एज यू स्टार्टेड ग्रोइंग अप फिर हम लोगों का खो खो कबड्डी साइड ज्यादा इंटरेस्ट चला गया, बास्केटबॉल. कोई फ्रेंड्स आज भी याद हो? हाँ, मेरी जो बचपन की बेस्ट फ्रेंड है आरुषि, वो आज भी मेरी दोस्त है. एंड मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अगर दोस्ती कर लेती हूँ ना, तो फिर मैं निभाती हूँ, मेरे साइड से कभी कुछ नहीं होता. आरुषि जरूर कमेंट करेगी या इंटरव्यू देखेगी तो. रीकाउंट योर मोस्ट एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. ऐसे तो बहुत रहे यार, बचपन में ना मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, मतलब नींद नहीं होने की वजह से स्कूल, तो बहुत वॉमिटिंग होती थी मुझे, मैं बहुत चक्कर खा के गिरती थी, मुझे वो बहुत एम्बेरेसिंग लगता था. जबकि इट्स टोटली फाइन यार कि आपकी हेल्थ नॉर्मल नहीं है, बट आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई नीड टू कंट्रोल इट, ऐसे मुझे लगता था बेहोश ना हो जाऊं, वैसे खड़ी हूँ. बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इफ यू नॉट फीलिंग गुड लेट पीपल नो अबाउट इट. व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वुड यू से यू वेयर? गुड यार, मतलब डिसेंट, काफी डिसेंट. जब पढ़ाई करी तो बहुत दिल से की थी पढ़ाई, अभी तो उतनी नहीं हो पाती, बट जब की थी तो पूरे दिल से. ओके, जब रिवीजन होता है मोस्टली स्टूडेंट बहुत डरते हैं, तो आप किस टीचर से ज्यादा डरते थे? अरे मुझे ना बोला. मैथ्स की टीचर और हिंदी, बिकॉज मैं नोटबुक्स नहीं बनाती थी ओपनली. ओके, व्हाट इज द क्रेजीएस्ट थिंग यू डिड व्हाइल इन स्कूल टू हेल्प योर क्लासमेट? क्रेजी नहीं यार, हेल्पफुल नेचर तो रहा ही है बचपन से, मतलब किसी को कुछ, कोई पेन नहीं लाया, पेंसिल नहीं आया, तो मैं आउट ऑफ द वे जाकर मैंने किया है, एंड आई थिंक वाइस वर्सा, मेरे फ्रेंड्स भी काफी हेल्पफुल थे. अटेंडेंस में कभी किसी की अटेंडेंस लगाई है आपने? नहीं, वो नहीं किया, बट मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत लगाई है, एंड इवन मुझे नोट्स भी बहुत दिए, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग तो बहुत लेक्चर्स मिस होते थे, तो वो लोग मेरे लिए रखते थे समय. ओके, सो आपको सेगमेंट कैसा लगा और कौन सी मेमोरी आज ताजा हो गई आपकी?
तो आप ऐसे यूजुअली बैठ के सब चीजों के बारे में नहीं सोचते हो, तो आज आपके इंटरव्यू के थ्रू मैंने वापस रिकॉल किए सारे मोमेंट्स, सो इट वाज नॉट सो फन। ओके, फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? लव सब लव टू यू ऑल, थैंक यू सो मच निहारिका और सुनैना को हमेशा इतना प्यार देने के लिए, ऐसे ही प्यार देते रहो और देखते रहो आईना।